ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇਸਾਂ ਤੱਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜੀਆਂ ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। बाजरा का पुलाव बनाने के लिए हमने एक कटोरी बाजरा लिया है जिसको हमने पूरी रात 2 गिलास पानी में भिगोया था और वो पानी जो था वो गर्म पानी था। उसके बाद सुबह हमने इसको 21 मिनट तकरीबन प्रेशर में कुकर में कुक करा है। उसके बाद अगेन इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसको बिना प्रेशर कुकर बंद करे खुले में ही इसको तकरीबन आधे घंटे से पौना घंटे तक दोबारा कुक करा है। बाजरा क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और ये जल्दी से नहीं बनता है, तो हमने इसको ये इस समय बॉयल किया हुआ बाजरा है ये। और साथ में हमने ली है ये चॉप्ड कैप्सिकम, एक चॉप्ड रेड कैप्सिकम है। और साथ में हमने 2 स्लाइस्ड अनियन लिए हैं, एक हमने बड़ा वाला स्लाइस टमाटो लिया है। बाजरे की जब भी खिचड़ी पुलाव या रोटी बनाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बाजरा जो है वो गर्म होता है। तो हमने एक बड़ा चम्मच घी लिया है और ये एक छोटा सा पीस चॉप्ड जिंजर का है। ये हमने एक हरी मिर्च ली है, एक चम्मच लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार हमने ये रॉक साल्ट लिया है। ये मैंने घी लिया है। सबसे पहले घी जैसे गर्म हो जाता है हम उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, अगर नहीं चाहें तो मत डालें। जीरे को थोड़ा सा भून लीजिए। जीरा भून गया है तो अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को भी हम हल्का ब्राउन होने तक इसको भी भूनेंगे। मैं इसे स्टील की पैन में बना रही हूँ। खाना ज़्यादातर हमेशा या तो आप पीतल के बर्तन में खाना पकाएं और या फिर स्टील के बर्तन में पकाएं, ये हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। फिर देखिए हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा पक गया है, तो अब मैं इसमें जो हमारा कटा हुआ अदरक है उसको ऐड कर देती हूँ। कटी हुई हरी मिर्च मिला दी है मैंने अब इसमें। आप इसको लगातार हिलाएं ताकि हमारा प्याज और जो मसाला है वो नीचे नहीं लगे। अब मैं इसमें कैप्सिकम लाल वाली जो हमने काटी थी वो मैंने सारी ऐड कर दी है। आप इसमें चाहें तो पीली कैप्सिकम, आप इसमें चाहें तो हरी वाली है वो मिला सकते हैं, सभी का टेस्ट बढ़िया होता है। ये मैंने 5-1 मिनट के लिए प्याज और शिमला मिर्च के मसाले को फ्राई किया है। अब हम इसमें जो स्लाइस टमाटो हैं उनको भी मिला देंगे। आप चाहें तो टमाटर चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
के लिए हम टमाटर डालकर कुछ देर के लिए और फ्राई करेंगे मसाले को। अब मैं इसमें स्वाद के हिसाब से रॉक साल्ट मिला रही हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि रॉक साल्ट का ही इस्तेमाल करें, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आज तक आपने सफ़ेद नमक का इस्तेमाल किया है तो उसे जल्दी से बंद कर दें, क्योंकि सफ़ेद नमक कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। इसलिए हमेशा जब भी इस्तेमाल करें रॉक साल्ट ही इस्तेमाल करें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा चिल्ली पाउडर भी डाल दिया है। हल्की आंच पर थोड़ी देर और फ्राई करें सारे मसाले को। देखिए ये मसाला कैसे अब अच्छे से पक गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब एक तरह से हमारा ये मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमारा बॉईल किया हुआ बाजरा है इसको डाल देंगे गैस को थोड़ा सा स्लो करके। अच्छे से सारे मसाले को बाजरा के साथ अच्छे से मिक्स करें। मैंने इसके लिए जो बाजरा है ये बहुत ही छोटी सी कटोरी बाजरा भिगोया था और उसी का मैंने आपको पानी का भी सारा हिसाब बताया है। थोड़ी देर के लिए इसे पकाएं। हमने इसको 3-4 मिनट भुना है तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसने अभी छोड़ दिया है। तो अब हमारा जो ये पुलाव है बाजरे का ये तैयार है। देखिए अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये खाने में उतना ही पौष्टिक है और स्पेशली सर्दियों में। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। लीजिए आपका बाजरे का पुलाव बनकर तैयार है। इसको धनिया पुदीने की चटनी और दही के साथ सर्व कीजिए। खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। खुश रहिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। शुक्रिया, धन्यवाद।